गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग एक्चुअली अपने घर से निकल चुके हैं। हम इनके फैमिली फ्रेंड के यहाँ पर जा रहे हैं। ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ हवन ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे कुछ ये पंडित जी विधि विधान से रीति रिवाज बता रहे हैं, पता ना कुछ बता रहे हैं, और ये लोग सारे कर रहे हैं और ये आहुति दे रहे हैं सारे मिलके, और ये घी डाल रहे हैं हवन में। लास्ट वाली वीडियो में, इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी मेरी, उसमें भी हवन था, इसमें भी हवन था। आप लोग सोच रहे होंगे आजकल तो बड़ा हवन करवा रही है, ये हवन में जाती आती रहती है, तो वही कोई बुलाता है तो जाना भी पड़ता है। और इतने प्यार से कोई बुलाता है तो जाना अच्छा भी लगता है। और ये देखिए आरती चल रही है और ये पूर्ण आहुति हो रही है और उसके बाद में आरती स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर और बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। और ये बारी बारी से सब लोग आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नई रिवाज देखी, जो हवन कुंड होता है उसकी 3 बार जैसे परिक्रमा करते हैं और इस टाइप से होता है, तो काफ़ी यूनिक सी रिवाज लगी है और देखने में अच्छा भी लगा और घूम रहे थे सारे के सारे, अच्छा लग रहा था और काफ़ी मस्ती मजाक भी हो रहा था साथ में। और ये देखिए पीछे दीदियाँ आए हैं, काफ़ी हंस रही हैं। और ये देखिए हवन संपूर्ण हो चुका है अच्छे से और ये आराम से पूजा कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं हवन कुंड का। और ये देखिए वृंदा, देखो ये बैठी है क्यूट सी बच्ची, अपनी मम्मी को परेशान कर रही है, अपनी मम्मी की चुन्नी ले रही है, बोल रही है कि मेरे को भी चाहिए, पता नहीं कुछ कह रही है अपनी मम्मी से। और ये हमारे कलावा बनवा रहे हैं हाथ में, और ये पता नहीं पंडित जी इनको भी कुछ रीति रिवाज करवा रहे हैं, और ये पंचामृत पिया है अभी इन्होंने और बारी बारी सबके कलावे बांध दिए थे। और ये अच्छा लग रहा था काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और मैं इसको छेड़ रही हूँ वृंदा को बार बार, इसे लड्डू बहुत पसंद है। नहीं मैं नहीं दूंगी लड्डू, बोल रही है, मैंने कि मुझे दे दे, बोल रही है नहीं मैं नहीं दूंगी। और ये थोड़ी देर बाद अपने आप से मेरी गोद में आके बैठ गई और इतनी क्यूट सी स्माइल करके, इसके साथ मैंने 3-4 सेल्फी ली थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी रेड कलर की ड्रेस में। हमारी फ्रेंड गीतिका कितना अच्छा डांस कर रही है, अच्छा लग रहा है मस्ती मजाक। और ये घूमने का तरीका तो काफ़ी यूनिक है, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, और मैंने तो यही डांस ज़्यादा लगाया अपनी वीडियो में। अरे वृंदा को बोल रही है डांस करने के लिए और वृंदा नहीं नाच रही है, उसको शायद ये गाना पसंद नहीं आ रहा। और ये आंटी भी हैं, पता नहीं कौन है, ये भी डांस कर रही हैं, उधर ही की हैं। और ये फिर मैं आ चुकी हूँ। अब मेरे को ये गाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो वैसे ही मैंने जैसा मेरे को आता था वैसा मैंने डांस कर दिया, और जैसे वो कर रही हैं साथ साथ वैसे ही उनकी कॉपी कर दी है मैंने। और ये क्यूट सी डॉगी थी इलू, ये डॉगी गर्ल है और ये काफ़ी वो थी, इसको लड्डू की तरफ देख रही थी काफ़ी देर से कि मुझे लड्डू दे दे, बट वृंदा ने इसको लड्डू खाने को लिए नहीं दिया था। देखते हो सौरभ जो डॉगी ले ली उसने, हाँ पता है। हेलो हेलो, लाइक कर देना। हेलो। और ये शशि की मॉडलिंग चल रही है, फोटो शूट करवा रही है लड़की। दुकान जिसकी ओपनिंग की है अभी, और उसी की वजह से ये मतलब कि हवन किया था आज ये। और ये हम दीदी के घर जा रहे हैं। और ये देखिए इलू, अभी इलू का भाई मिलेगा रास्ते में कालू।
तो ये हम दीदी के घर पहुंच चुके हैं और ये दीदी ने देखो माता की चौकी कितने अच्छे से सजा रखी है, और ये देखिए इनके जो नवरात्रे नौरते हैं कितने अच्छे से हुए हैं। और वो गीतिका बोल रही थी मेरे तो लगे नहीं है बिल्कुल भी, आप लोगों के कैसे लग गए नौरते देख कर। और ये दीदी के पास मतलब घर में आके बैठ गए थे हम सारे के सारे, और ये मेरी भांजी लगती हैं और ये लैपटॉप पे काम कर रही थी, और ये देखिए सारे बच्चे खड़े हो गए हेलो हेलो के चक्कर में, अभी सारे के सारे लेटे हुए थे कैमरे के सामने आते के साथ ही हाय हेलो करने लगे सब। आप तो वैसे सुंदर हो, हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो हेलो के, हाँ आप तो वैसे ही सुंदर हो, मेकअप की तो जरूरत है। इलू देखो, इलू ओरियो की बहन पूरी लड्डू, किस चीज की आंटी है लड्डू? ये वहां तो लाई हो ना? अच्छा अच्छा, हाँ मामी। और चाची। ये देखो फ्री फायर, फ्री फायर और बस हम लोगों की वापसी हो चुकी है और यहाँ माता का सामान मिल रहा है कितना अच्छा अच्छा। दुर्गा माता का वापसी में भी जगह 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 चौकियाँ सजी हुई हैं, और बस अभी हम घर पहुंच रहे हैं अपने, बस आके अभी चेंज किया है, हमारे चांदना बाब चाय बना के लाए हैं तो अभी हम चाय पीते हैं। लड़की ने इतने बड़े ग्लास में यूट्यूब से देख के इन लोगों ने ग्लू बनाया, क्या क्या चीज डाली है बस इसमें? मेरे को ज्यादा सूखा आटा चाहिए था, आटा चीनी नहीं। क्या क्या डाला? आटा, आटा चीनी, कितनी झंड कर रही है ना, तेर से सब नाराज हो जाएंगे। भूखी खाएगी आज रात को। तो मैंने आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं थक गई थी, फिर आके अपने घर के कामों में लग गई थी। तो आज मैंने दो साड़ी चेंज करी थी और बस आज की वीडियो को आप करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। Oh.